ये है मेरा घर और ये हूँ मैं गुड्डी। ये मेरा छोटा भाई योगी। ये मेरी मॉम और ये मेरे डैड। आप लोगों को लग रहा होगा ना ये कैसे लोग हैं, सब के सब मुंह बनाए रहते हैं। एक्चुअली हमारी एकदम हैप्पी फैमिली है, लेकिन आज हम थोड़े दुखी हैं। नहीं, बहुत दुखी हैं। वो इसलिए क्योंकि आज चंडीगढ़ से अरुण मासा और माया मासी आने वाले हैं हमारे घर, वो भी एक हफ्ते के लिए। हमें अरुण मासा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माया मासी बड़ी इरिटेटिंग और ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट वाली औरत है। स्वीट सा फेस बना के एकदम हर्टफुल चीजें बोलना कोई इनसे सीखे। एनीवेज, पापा उन्हें रिसीव करने गए हैं, थोड़ी ही देर में वो यहाँ आएंगे और एक हफ्ते तक उनकी चू चाक खत्म ही नहीं होगी। लता, कैसी हो? पिछले साल से थोड़ी ज्यादा मोटी लग रही हो, बट नो प्रॉब्लम, इट सूट्स यू। तुम कुछ और कहो, उससे पहले जरा टैक्सी वालों को पैसे दे देना। तुम तो जानती हो ये दिल्ली वाले टैक्सी वाले कैसे हैं, कहीं वेटिंग चार्ज नहीं लगा दे, दे दो दे दो। तुम लोगों ने टैक्सी की? हाँ, और नहीं तो क्या, इतना सारा सामान तुम्हारे मारुति में थोड़ा फिट होता था। और बाय द वे, गुड्डी और योगी कहाँ है? गुड्डी, योगी, थोड़ी देर बाद चाहते हैं। और क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि हमें उनकी आवाज नहीं आई। पूरे मोहल्ले को उनकी आवाज आई और हमको नहीं आई, ये कहेंगे? चलो अभी। हाँ मेरी बच्ची, बिल्कुल लता जैसी लग रही है, दोनों को वजन एकदम सेम टू सेम। हाँ मेरे बच्चा, पिछले साल तो तू गोरा था, ये बीपीओ शिपीओ में काम करके यही हालत होती है। माया, तुम लोग थके होंगे और भूख भी लगी होगी, तुम लोग ऐसा करो फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं लंच की तैयारी करती हूँ। मैं क्या कहती, माया लंच के बाद बात करेंगे, तुम्हारा रूम वहाँ है। ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, एक हफ्ता बाद। भाई साहब कहाँ पर है? उनके सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए उन्होंने लंच अपने रूम में ही मंगा लिया। बाय द वे, मैं तुम्हें एक बात करना भूल ही गई। ये देखो मेरे इयररिंग्स, डायमंड के है, 35,000। तुम्हारे पास कितने हैं? मेरी तो ये तीसरी पैर है। मेरे पास डायमंड की एक भी नहीं है, सिर्फ सोने की है। बड़े ताज्जुब की बात है, आजकल गोल्ड की ज्वेलरी बिल्कुल डाउन मार्केट हो गई है, सब लोग डायमंड की पहनते हैं। ये सब छोड़ो, ये बताओ टुट्टू कैसा है? अरे टुट्टू तो एकदम बढ़िया है, मैं तो भगवान से रोज थैंक यू बोलती हूँ कि मुझे इनके जैसा अच्छा पति और टुट्टू के जैसा अच्छा बेटा मिला है। क्या हुआ? कुछ सोच रही थी कि टुट्टू के टॉपिक पर माया मासी की थोड़ी सी बैंड बजा, क्योंकि मैं तुम्हारी और उसकी तो कोल्ड वॉर चल रही है, तो एक काम ये कर लेती हूँ। ऐसा क्या? तो फिर शो का मैं दिल्ली कैसी? मासी, टुट्टू का प्री बोर्ड रिजल्ट कैसा रहा? रिजल्ट तो ठीक ठाक था। ओवरऑल परसेंटेज कितना था? जितनी हमें उम्मीद की थी उतने तो उसे नहीं आए, लेकिन उसमें बेचारे टुट्टू की कोई गलती नहीं है, सारे टीचर किसी वजह से उसके खिलाफ है। वो पेपर तो बहुत अच्छा लिखता है पर मार कम देते हैं। पर तुम देखना, बोर्ड एग्जाम में वो इतना अच्छे मार्क लेके आएंगे कि सबके छक्के छूट जाएंगे।
कल पूरी रात तो पैकिंग में गई है और सफर में भी इतनी थकान हुई है, आज तो हम खूब सोएंगे। कोई गल नहीं, चलिए जी। कहना है माँ, नेहा का फोन आया था, उसके साथ कनॉट प्लेस जाओ। नहीं, मासी को बुला रही हूँ। माँ, सैटरडे नाइट है। मुझे कुछ नहीं सोना है, तुम आज नहीं जा रही हो, जाओ तो कल चली जाना। और सुनो, 10 मिनट में किचन में वापस आओ, पूरी बनाना है। हेलो, हाय दी, कैसे हो? वेल, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? दे नॉट बोर्ड के एग्जाम की पढ़ाई की प्रिपरेशंस कर रहे हो, राइट? हाँ दी, आपसे एक फेवर चाहिए है। श्योर, बोलो। पर पहले तुम प्रॉमिस करो, तुम ये बात किसी को नहीं कहोगी, खासकर मम्मी को। ठीक है, मैं किसी को नहीं कहूँगी, अब बोलो। ठीक है, मम्मी डैडी आसपास तो नहीं है ना? नहीं, वो दूसरे रूम में सो रही है। ओह, गुड 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 गुड। तो बात ये है दी कि मैं अभी दिल्ली में हूँ। क्या, तुम दिल्ली में? तो मासी ने तो कहा। मम्मी को नहीं पता, सिर्फ तुम और विनय ये बात जानते हो। विनय कौन? मेरा दोस्त है, वो दिल्ली में ही रहता है। इनफैक्ट वो तुम्हारा पड़ोसी है, उसका पूरा नाम है विनय खन्ना। ओह, खन्ना आंटी का बेटा। उसे देखा एक आध बार मैंने, ये वही विनय है ना जो गंदा सा दिखने वाला और अजीब से चश्मे लगाता है, इनफैक्ट तुम्हारे जैसा दिखता है। हाँ वही, तो पॉइंट ये है कि मैं उसके साथ उसके घर में रह रहा हूँ। ओके, लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, तुम दिल्ली में हो, तुम्हारे पेरेंट्स दिल्ली में, तुम लोग एक ही मोहल्ले में रह रहे हो और फिर भी तुम चाहते हो कि उनको ये बात पता ना चले। वेल, हाँ, उसके पीछे कुछ वजह है। ओके, लेट्स हियर देन। तो बात ये है कि यू सी, यू नो, नो टू टू, आई डोंट सी एंड आई डोंट नो, अब जल्दी बोलो। हाँ हाँ, अब वो क्या है कि यू सी टू टू, आई एम इन लव। हेलो, हेलो दी, हेलो, हेलो दी, हेलो दी, क्या हुआ? हेलो, हेलो दी, यू देयर? हेलो, या या, आई एम हियर। सो वेल वेल वेल, यू आर इन लव, गुड, वेरी गुड। सो हु इज दैट लकी गर्ल? उसका नाम रिंकू है। रिंकू, कितना क्यूट पेट नेम है, उसका रियल नेम क्या है? रिंकू ही उसका असली नाम है, रिंकू चौधरी। ओह, ओके ओके। तो और बताओ मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में। दी, वो टेक्निकली मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। अच्छा, इसका मतलब? आई मीन, हम लोग एक दूसरे को डेट वेट नहीं कर रहे। इनफैक्ट उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। क्या, उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया? क्या पागल लड़की है। Doesn't she know what a gem of a guy you are? सही कहा दी। काश वो तुम्हारे जैसी स्मार्ट होती। वो एकदम स्वीट और क्यूट है, पर लोगों को जज करने में एकदम जीरो। पता है, उसने मुझे मंद बुद्धि बंदर कहा। Really? How ridiculous. Anyways, तुम लोग का equation क्या है अब? मतलब? Well, तुम उससे प्यार करते हो, उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है, तुम्हें मन बुद्धि बंदर भी बुलाया है,
तो इट्स लाइक तुम्हारी लव स्टोरी अभी जा कहाँ रही है, वेयर इज इट हेडिंग, और उससे तुम्हारा दिल्ली में होने का क्या कनेक्शन है? ओह हाँ, मुझे सब शुरू से बताना पड़ेगा। यस प्लीज डू। रिंकू और मैं सेम क्लास में हैं। मैं पिछले 2 साल से उसे प्यार करता हूँ, पर ये बोलेगी कभी हिम्मत नहीं हुई। पिछले ही महीने मुझे एहसास हुआ कि अभी स्कूल खत्म होने को है, और अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं शायद उसे कभी नहीं देख पाऊंगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं उसे प्रपोज करूंगा। क्या तुमने उससे शादी करने के लिए पूछा? क्या, अरे नहीं नहीं पागल जैसी बात मत करो दी, हम अभी स्कूल में है। प्रपोज का मतलब हाँ डिक्लेरेशन ऑफ लव। ओह तो तुमने उसे जाके प्रपोज किया? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि उसके लिए जो मुझे फीलिंग्स है वो लिख के मैं उसे कहूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओह यू मीन तुमने उसे एक लव लेटर लिखा? हाँ। तुम्हारे हाँ से लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गई। दी इट वाज हॉरिबल, उसने वो लेटर जाके स्कूल के ग्रीन बोर्ड पर लगा दिया। रियली? तुम्हारी तो बैंड बज गई होगी। टेल मी अबाउट इट, मेरे लाइफ का पूरा वर्स्ट डे था, पूरा स्कूल मेरे पे हंस रहा था, और ऊपर से प्रिंसिपल ने मुझे अपने केबिन में बुलाया और 2 घंटे तक मुझे डांटा और फिर मुझे 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया। That's so sad. मासी और मासा ने कैसे रिएक्ट किया तुम्हारे सस्पेंशन को लेके? Well, मैंने उन्हें बताया ही नहीं कि मैं सस्पेंड हुआ हूँ। मैं रोज की तरह स्कूल के लिए निकल जाता था और यहाँ वहाँ घूम के रोज के टाइम पे वापस लौट आते थे। हाँ लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। 3rd दिन उस स्टुपिड प्रिंसिपल ने घर पे फोन किया मॉम को मेरी अश्लील हरकतें बताने के लिए। उफ्स, फिर मासी ने क्या किया? छोड़ो ना। द बॉटम लाइन इज मुझे 3 महीने के लिए हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। हाउस अरेस्ट? हाँ, पॉकेट मनी नहीं, टीवी नहीं, दोस्तों से मिलने घर से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन वो लोग मेरे घर पे आ सकते हैं सिर्फ पढ़ाई करने के लिए। Oh, I'm really sorry for you, Rutu. छोड़ो दी, जो हुआ सो हुआ, लेकिन इन सब गड़बड़ में एक अच्छी चीज भी हुई। अच्छा, वो क्या? जब मैं फिर स्कूल गया तो रिंकू को बहुत बुरा लगा कि उसकी वजह से मुझे इतना इंसल्ट सहन करना पड़ा, तो वो शर्मिंदा थी और उसने मेरे साथ डेट पे चलने का फैसला किया। ओह वाओ, लव स्टोरी फिर पटरी पे आ गई। नहीं, अगले दिन उसने मुझे कहा कि उसके डैड का दिल्ली में ट्रांसफर हो गया, वो स्कूल का आखिरी दिन था, 2-3 दिन में वो लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए, उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। ओह और इसलिए तुम दिल्ली में हो? हाँ जी, मुझे उसे फिर से किसी भी तरह मिलना है, उसकी सूरत देखनी है, वरना मैं मर जाऊंगा। हाँ दी, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना जी नहीं सकता। जब तक मॉम और डैड चंडीगढ़ में थे मैं कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन अब वो लोग यहाँ नहीं है और अब मुझे दिल्ली आने और रिंकू से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, और इसलिए मैंने विनय की हेल्प ली। रिंकू की तरह उसके डैड का भी दिल्ली ट्रांसफर हो गया। उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि उसने मुझे अपने घर पे इनवाइट किया है ताकि हम दोनों बोर्ड्स के लिए साथ साथ पढ़ सकें, वो मेरी रिंकू को ढूंढने में हेल्प करेगा। ओ, तुम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, और अगर मासी और मासा को पता चल गया तो? उन्हें कौन बताएगा? अरे उन्हें कहीं से भी पता चल सकता है, और वो तुम्हारा सर्वेंट है ना, क्या नाम है उसका, शिवसागर? शिवसागर उन्हें कुछ नहीं बता सकता। जैसे ही मॉम डैड दिल्ली के लिए निकले मैंने उसे कहा उसे घर से फोन आया है और घर वालों ने उसे फॉरन गाँव बुलाया है, वो उसी दिन बिहार के लिए निकल गए। मैंने उसे बोल दिया कि आराम से 15 दिन में लौटो, मैंने घर का लैंडलाइन भी डिस्कनेक्ट कर दिया, इसलिए मॉम डैड को मेरे सेल पे ही फोन करना पड़ेगा। वाओ टूटू, मुझे नहीं पता था तुम इतने स्मार्ट हो। लव ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन यू। तो ये है पूरी कहानी भी। अब मुझे आपकी मदद चाहिए, रिंकू को ढूंढने के लिए ही नहीं बल्कि ये भी मेक श्योर करने के लिए कि मॉम डैड को कभी पता ना चले कि मैं उनके इतने पास रह रहा हूँ। आप मेरी मदद करोगे ना जी? तुम्हारा फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है, अभी तुम्हें सारा टाइम पढ़ना चाहिए, और रिंकू कहीं भाग जाने वाली नहीं है।
मैं तो कहती हूँ कि तुम अभी रिंकू को ढूंढने का आइडिया कुछ दिन के लिए ड्रॉप कर दो, एग्जाम के बाद दिल्ली आ जाओ और फिर तुम्हें उस वक्त इस तरह सीक्रेटली भी नहीं रहना पड़ेगा, तुम हमारे घर में रह सकते हो। नहीं दी, ये नहीं हो सकता। उसका चेहरा देखने के लिए मैं तड़प रहा हूँ और इसलिए एनीवेज मैं पढ़ाई पे भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। शायद उसे मैं मिलूंगा तो पढ़ाई पे भी कॉन्सेंट्रेट कर पाऊँ। प्लीज दी प्लीज। लेकिन तुम भी तो सोचो दी। प्लीज प्लीज दी प्लीज या प्लीज दी प्लीज। ओके ओके आई एम ऑन। अब आगे का क्या प्लान है? हम कल कहीं मिलते हैं, होम शेफ कॉफी शॉप, कल सुबह 10 बजे। डन। ओके टूटू। मैं बताता हूँ क्या हुआ। उस डायन को फिर से दिल्ली दर्शन करना है। जबान संभाल के धीरे सुन ले। तो सुन लेने दो। हर साल यहाँ आ जाते हैं और हर साल हमें दिल्ली दर्शन के लिए जाना पड़ता है। अरे क्या 20 साल में 20 दिल्ली दर्शन का काम नहीं किया? कोई रिकॉर्ड बना नहीं होगा? और फिर शॉपिंग करने जाएंगी, दिल्ली दर्शन के बाद उनको शॉपिंग करने होता है। और कितनी बार ऐसा हुआ है मैंने उनके लिए शॉपिंग के लिए पैसे भी दिए और उन्होंने आज तक चुकाए भी नहीं। और फिर तुम मॉम बोलती हो जाने दो मेहमान है। पहले तुमको अपनी आवाज थोड़ी धीमी कर। वेरी गुड मॉर्निंग जी। क्या परफेक्ट सुबह है। वाह वाह दिल्ली दर्शन के लिए। वो क्या है, योगी और बुटीक ने अपने अपने दोस्तों के साथ कुछ प्रोग्राम बना लिया है। हम कल ही तो आए हैं और आप लोगों ने आपके दोस्तों के साथ प्लान भी बना लिया। How could you do it? वेरी इजीली। अब मेरा मतलब है कि हमने प्लान पिछले हफ्ते बनाए थे तो आप कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कह दो अपने दोस्तों को फैमिली कमिटमेंट है। माया कल भी इन लोगों ने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया था, आज इन्हें जाने दो ना। मैं और युद्धवीर आज तुम्हारे साथ चलेंगे, वैसे भी ये लोग हमारे साथ बोर हो जाएंगे। अचानक से दिल्ली आने की वजह वो क्या है? अरुण को 5 दिन की कॉन्फ्रेंस मीटिंग अटेंड करनी है। कल से तो इन्हें घूमने का टाइम भी नहीं मिलेगा। और आजकल के नौजवान कहाँ समझते हैं फैमिली गेट टुगेदर की वैल्यू। पता है अगर इनकी जगह पर टुट्टू होता तो ऐसा कभी ना करता। मेरी हर बात मानता है और कभी उल्टा जवाब नहीं देता। तो कहो माया पहले क्या करना चाहोगी, साइट सीइंग या शॉपिंग? ऑफ कोर्स शॉपिंग। मैंने तो कितनी लंबी लिस्ट भी बना रखी है। ओके मॉम मुझे जाना है, शाम में मिलते हैं। बाय मासी। बाय मासा। मासी के पीछे कुछ मजेदार करने के लिए मैंने टूटू को तो हाँ कह दिया है, लेकिन पर क्या ही सही है? मैं टूटू जैसे इडियट की हेल्प कर रही हूँ, वो भी एक लड़की को पटाने के लिए। आई मीन टूटू ने उसको ढूंढ भी लिया तो क्या वो उसे डेट करेगी? हाँ चांसेस तो बहुत कम है। वो एक बार उसके साथ डेट पे गई थी, वो भी इसलिए क्योंकि वो शर्मिंदा थी। लेकिन अब मैंने टूटू को तो जबान दे दी है, अब क्या मैं पीछे भी नहीं हो सकती हूँ? हाय टूटू, गुड टू सी यू। दी, ये है विनय। हाँ, मिली हूँ इससे एक बार पहले। और बताओ टूटू, प्लान क्या है?
एक कोल्ड कॉफी। मॉम और डैड? फिक्र मत करो, वो लोग दिल्ली दर्शन गए हैं। ओह गुड गुड। तो दी, पहले तो हमें रिंकू को ढूंढना है। उसके क्लासमेट से पता चला है कि वो नोएडा में रहती है। ओके, नोएडा में कहाँ? वो तो हमें ढूंढना पड़ेगा। तुम कहना चाहते हो तुम्हें कोई आइडिया नहीं हो कहाँ रहती है? तुम्हें पता भी है नोएडा कितना बड़ा है? ऑफ कोर्स पता है, लेकिन मेरे पास ये एक ही लीड है। तो कोई और अच्छी वाली लीड लेके आओ। नोएडा जैसे बड़े शहर में एक लड़की को ढूंढना, वो भी जब पता नहीं हो कहाँ से शुरू करना है, कितना मुश्किल है पता है? तुम्हारे आने से पहले घर और मैंने इसी के बारे में डिस्कस किया। हम नोएडा की टेलीफोन डायरेक्टरी खरीदेंगे और उसमें जितने भी चौधरीज हैं उन सबको फोन लगाएंगे। ये पूरी कॉफी तुम्हारे मुंह पे डालने का। नोएडा की डायरेक्टरी में डुकू 10,000 चौधरीज लिस्टेड होंगे। पता है, और वो हर एक नंबर पे कॉल करने वाला है। जस्ट इमेजिन जी। रिंकू की फैमिली अभी अभी शिफ्ट हुई है, तो क्या चांसेस है कि उसके घर पे टेलीफोन कनेक्शन होगा? तो तुम्हें पता होती, अब मैं क्या करूँ? घर जाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो और एग्जाम्स की बात हो, तब शायद तुम्हारे पास और इन्फॉर्मेशन होगी रिंकू के बारे में। नहीं दी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं रिंकू को मिले बिना यहाँ से जा नहीं सकता। लव अ बॉय, प्रैक्टिकल बनो। 10,000 कॉल्स के लिए पैसे कहाँ से लाओगे? और तुम्ही ने कहा था मासी ने तुम्हारी पॉकेट मनी बंद कर दी। हाँ, और मेरी सारी सेविंग्स ट्रेन की टिकट में खर्च हो गई है। मैं तुम दोनों से बॉरो करने की उम्मीद कर रहा था, ये तो हो ही नहीं सकता। सेम हियर। कम ऑन गाइस, आई वाज काउंटिंग ऑन यू टू। वो अक्कल वाली बात कर यार। एक तो मम्मी पहले से गुस्सा है कि मैं तुम्हें अचानक इनवाइट किया है, और ऊपर से तुम्हें चाहते हो कि मैं सारी सेविंग्स तुम्हारे स्टूपिड से आइडिया में उड़ा दूँ। मैं पैसा नहीं देता। तुम तो मुझे आराम से 10,000 रुपए उधार दे सकते हो। अच्छा, उधार का मतलब पता है? जो पैसे पर उधार लेते हैं उसे कुछ दिन के बाद वापस देना पड़ता है। लेकिन तुम तो अपने माँ के पक्के बेटे हो। एक बार तुम्हें 10,000 रुपए दूंगी फिर वो कभी वापस नहीं मिलने वाला। नो टू, इट्स क्लियर, तुम्हारा प्लान इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। तुम फ्यूचर के साथ खेल रहे हो और बोर्ड एग्जाम्स आ रहा है फॉर गॉड्स सेक। आज क्या चंडीगढ़ वापस जाओ और बोर्ड एग्जाम्स के बाद वापस आना। नहीं दी, तुम लोगों को मेरी मदद नहीं करनी है तो इट्स फाइन, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगा। इनफैक्ट मेरे पास एक आइडिया भी है। रिंकू को मॉल्स जाना बहुत पसंद है। मैं एक एक करके नोएडा के सारे मॉल्स के एंट्रेंस के बाहर खड़ा रहूंगा। आई एम श्योर रिंकू मुझे कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएगी। अब तक सिर्फ सुना था फूल इन लव, आज देख भी लिया। ओके टूटू, इट्स योर लाइफ, तुम्हें पूरा हक है इसे बर्बाद करने का, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था आई मेक श्योर कि मासा और मासी को तुम्हारे दिल्ली में होने की खबर ना मिले। यू ऑल्सो मेक श्योर कि उनको मेरे इन्वॉल्वमेंट की भनक ना लगे। ओके तो चले, लेट किया तो मम्मी डांटेंगी, एग्जाम्स आ रहे हैं ना। मिल देना। दी मुझे प्लीज नोएडा लेके चलो। वो तो पागल हो गया है क्या? मैं घर जा रहा हूँ सीधे, तुझे जिधर जाना है जा। मैं भी, तुम्हें नोएडा जाना है तो बहुत अच्छा मिलेगा। तुम लोग कितने सेल्फिश हो, मेरे फीलिंग्स समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। मुझे लगा मुझे तुमसे मदद मिलेगी, लेकिन मुझे मिल रहे तो सिर्फ यूजलेस लेक्चर्स। देख नहीं सकते कितना इंपॉर्टेंट है ये मेरे लिए। दी मुझे प्लीज घर छोड़ दो। क्या तुम लोग मुझे यहाँ अकेले छोड़ के जा रहे हो? रुको, मैं भी आ रहा हूँ। किसने ये किया नहीं, प्यार कर लिया तो क्या प्यार है पता नहीं।
थैंक्स दी। अब बताओ तो क्या हुआ? आपके जाने के बाद इसने दो कुत्ते को लात मारी। कुत्ते ने गुस्से में आके इसे काटा। मैंने किसी तरह भी पत्थर मार के कुत्ते को भगाया और आपको फोन किया। ओ शिट। लेकिन नहीं, खास करके माया मास, वो तो यही बोली थी मुझे उसे कुत्तों से बचाना चाहिए था। आखिर खालसा रक्षाबंधन में राखी जो बांधती है। लेकिन रक्षाबंधन में तो भाई अपनी बहन को बचाने का प्रॉमिस करता है। लेकिन माया मास ये पॉइंट जरूर निकालेगी। पर इनको ये लेडी सीरीज का चक्कर नहीं होगा? इसे कुछ स्टिचेस लगाने पड़ेंगे और इंजेक्शन देने पड़ेंगे, और क्योंकि कुत्ते जो है वो सड़क छाप थे इसलिए रेबीज और टेटनस के शॉट्स। दो तीन घंटे में इसे डिस्चार्ज कर लेंगे। एक हफ्ते तक मुझे एंटीबायोटिक्स लेना होगा और चेकअप के लिए यहाँ आना होगा। डॉक्टर वो अगले हफ्ते दिल्ली में नहीं होगा? कोई बात नहीं, मैं उसकी सारी ट्रीटमेंट की डिटेल्स एक फाइल में लिखकर दे दूँगा। उसके बाद वो किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है। वो पेमेंट वगैरह करवा देना जरा रिसेप्शन पे। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आपको कोई गलती हुई है? मेरे भाई को कैंसर नहीं है, डॉग बाइट हुआ है। यू टू फनी, आप कैसे पे करेंगे? कैसे टूटू।
मुझे लगता है अब तुम्हें दिल्ली नहीं रुकना चाहिए। मॉम ने मुझे देखा। ओह गॉड, ये क्या कह रहे हो? अब जल्दी गड्डी को भगाइए। तुम श्योर हो मॉम ने तुम्हें देखा? अरे हाँ, उसने हमारी गड्डी की तरफ देखा और ऐसे आंखें फाड़ी। शायद वो तुम्हें देख के चौंकी या शायद मुझे देख के, लेकिन मुझे डेफिनेटली देखा। हेल टुटू सुनो, हम विनय के घर पहुँचने ही वाले हैं। जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तुम गाड़ी खोलो और घर के अंदर भागो। और ये लो अपनी फाइल भी लेके जाओ। पर दी, विनय के फर्स्ट फ्लोर वाले घर पे मैं जाऊँ कैसे? मैं तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा। टुटू, आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर। चल नहीं सकते हो तो रेंग के जाओ, पर बस जाओ। टुटू, मॉम और मासिया पे किसी भी वक्त आ सकते हैं, तुम बस जाओ। हेलो गुड्डी, आओ। आप यहाँ? बाकी सब लोग कहाँ हैं? योगी दोस्तों के साथ बाहर गया है और मासा जी अंदर टीवी देख रहे हैं। माया और लता अब तक आए नहीं है दिल्ली दर्शन से। पर आप और मासा भी उनके साथ जाने वाले थे ना? हाँ, फिर सोचा क्यों मैं अपना संडे वेस्ट करूँ, इसलिए सर दुखने का बहाना था। और फिर अरुण भी बोला कि दोनों लेडीज के साथ बोर हो जाए, इसलिए वो भी नहीं। और बेचारी मॉम को अकेले भेज दिया माया मासी के साथ, ये तो गलत है। तुमने भी तो अवॉइड किया माया मासी को। लेकिन ये सब छोड़ो, तुम्हें क्या हुआ? मुझे क्या हुआ? वो बस बहुत ट्रैफिक है रास्ते में और गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते रह गया। फिक्र की कोई बात नहीं है। वही तो, आपने विनय को मेरे साथ देखा। ओफो, लेकिन वो लग रहा था बिल्कुल टुट्टू के जैसा। मैं भी कितनी पागल हूँ। वो मेरा टुट्टू तो चंडीगढ़ में शिव सागर के साथ अकेला है। चल उसे फोन करके देख। क्या वो मॉम बहुत अकेला है? तुम तो माया को अच्छी तरह जानती हो। मार्केट में सब दुकान में जाएगी, दुकानदार से सब सामान निकलवाएगी और बिना कुछ लिए ही बाहर आ जाएगी। ऐसे ही उसने घंटों लगा दिए। और उसने खरीदा तो क्या? ये बॉटल ओपनर। और कल उसे दिल्ली हाट जाना है। कह दो उनसे कि अकेले ही जाए। तुम मत बोलो। टुट्टू से मेरी बात हो गई, वो ठीक ठाक है। बेचारा दिन रात पढ़ाई कर रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। अकेला छोड़ के आई हूँ बेचारे को। तो उसे अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। चलो माया, चाय पीते हैं।
गया था, लेकिन उन्होंने मुझे देखा, इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि मैंने उन्हें कन्विंस किया कि वो टूटू नहीं विनय था। अब मेरी बात सुनो टूटू, आज चंडीगढ़ की 7 बजे की फ्लाइट पे मैं तुम्हें बुक कर रही हूँ। क्या? लेकिन दी, शट अप और मेरी बात सुनो। तुम अभी रिंकू को ढूंढने की हालत में नहीं हो और तुम्हारी भी देखभाल के लिए कोई चाहिए। तुम अब ये फ्लाइट लो और जैसे ही पहुंचो चंडीगढ़, मासी को कॉल करो और बोलो तुम्हें कुत्तों ने काट लिया है। ओके? कुछ भी स्टोरी बनाओ, वो मैं जस्ट तुम पे छोड़ रही हूँ। लेकिन मासी के आने से पहले जो तुम्हें डॉक्टर ने फाइल की उसकी डिटेल्स नहीं लिखो और वो फाइल जस्ट डिस्ट्रॉय इट, डिस्ट्रॉय कर दो। लेकिन दी, फाइल को क्यों डिस्ट्रॉय करूं मैं? क्योंकि उसमें दिल्ली के क्लिनिक का एड्रेस है, यू इडियट। ओके तो उसे जलाओ, दफनाओ, जस्ट गेट रिड ऑफ द फाइल। कहना कि कोई अजनबी ले गया था तुम्हें डॉक्टर के पास और उसी ने पैसे भी चुकाए, और अगर इन केस वो क्लिनिक का नाम पूछे तो कहना तुम भूल गए, समझे? हाँ, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन कुछ नहीं, मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो, नहीं तो मैं माया मासी को सब बता दूंगी। ओके वैसे भी इस हालत में यहाँ रह के कोई फायदा नहीं। गुड, अब तुम पैकिंग करना शुरू करो और मैं तुम्हारी टिकट का अरेंजमेंट करती हूँ। ओके, बाय। और तब तक तुम अपना सामान पैक कर लो। हाँ ठीक है मिल गया ना? हाँ आ जाए, चंगा आ जाए। ओके, माया को फ्लाइट मिल गया, मिल गई माया फ्लाइट में। लता आप खाना ले आओ। हाँ जी, 2 मिनट। 11 बजे तक? मैं कह रहा था माया 11 बजे तक चंडीगढ़ पहुँच जाए, गलत था। नहीं, वो बस आपकी आवाज़ बहुत सालों बाद सुनी ना, तो नहीं वो माया मासी की रहते हुए आपको कभी बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। हेलो दी, सब प्लान के मुताबिक जा रहा है। मॉम यहाँ पहुँच गई और उन्हें कोई डाउट भी नहीं हुआ। थैंक गॉड। थैंक्स फॉर एवरीथिंग दी। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो यू टेक केयर और पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके, बाय। हेलो दी। टूटू क्या हुआ, मासी को पता चल गया क्या? नहीं, मैंने फोन किया क्योंकि मुझे अभी एक और आइडिया मिला है रिंकू को ढूंढने का। हेलो टूटू, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो दी, अब आ रही है? हेलो मन बुद्धि बंदर।